आज इनकी सारी हेकड़ी निकलेगी। इसीलिए तो नाज है मुझे आर्यंस पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके साथ रहो, मजे करो। थैंक यू। कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या यार, लेक्चर का टाइम हो गया यार। छोटू क्या कर रहा है टॉयलेट में इतनी देर से? लगता है हमारा छोटू बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये लोग कौन है यार? पहले तो कॉलेज में कभी देखा नहीं इनको। ओ गॉड, सर सर, छोटू कैटी में जख्मी पड़ा है, आप जल्दी पहुंचिए। अरे कोई पानी लाओ। चले बाहर निकल, चल निकल ना। तेरी मार, रात तेरी रात। फटके पड़ रहे हैं। वॉरियर्स, तुम्हें आर्यंस की मदद करनी चाहिए। ए चल रे चल, इन लोगों की मदद हम क्यों करें? क्यों करें मदद? कॉलेज की सिक्योरिटी आर्यंस हैं हम। हाँ, आज इनकी सारी हेकड़ी निकलेगी। आज तो अजय भी नहीं है। अरे इतना फोर्स सालों को कि खुद अपनी शक्ल आईने में ना पहचान पाए। साले हीरो बनते हैं मक्कू दाने। अरे पत्थर मार इसको। अरे चल। इन लोगों ने छोटू को बहुत मारा है। बहुत हीरो बनता है तू। Come on.
चल। ये ले। इधर। मार, मार इसे मार। नहीं अजय, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे अकेले में मारा है, और अब तो ये खुद अकेला है, कमजोर और निहत्ता। और अगर मैं इसे अब मारूंगा तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा अजय? छोड़ दे इसे अजय, छोड़ दे। देखा, देखा तूने? हाँ, हाँ। मेरे दोस्त, तेरा नाम छोटू है। आज तूने सच में बहुत बड़ी बात कह दी। इसीलिए तो नाज है मुझे आर्यंस पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कम, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अजय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब भी देखो लड़ाई मारपीट, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। और तुम जानना चाहते हो क्यों? जब मैं 14 साल का था तो मेरे माँ बाप एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए और मैं बहुत अकेला पड़ गया। जिंदगी आगे बढ़ी और फिर मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। यहाँ मुझे मेरे दोस्त मिले, अब मैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ, हंस लेता हूँ। अजय, इस दुनिया के सफर में दोस्तों के साथ साथ एक हमसफर की भी जरूरत होती है, और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। आयशा, प्यार करना, इजहार करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल। मैं समझी नहीं। आयशा, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। मेरी दुनिया में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अजय, ठीक कहा तुमने। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सब कुछ तुम हो, और मैं तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खोना नहीं चाहती। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बिन तेरे, कुछ नहीं है। अच्छी घड़ी है यार। यार, ये घड़ी आशा ने बहुत प्यार से दी, मैं ना भी नहीं बोल पाया, लेकिन अब उसके लिए भी तो कुछ खरीदना पड़ेगा। अब समझा, वक्त खराब है, मतलब तू कंगाल है। हाँ यार। हाय अजय। हाय बॉबी, कहो क्या बात है? जो दलेर पाजी है ना, तारा रा वाले, उनको मैंने बुक किया था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने सारा का सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम आर्यंस लोग मेरी बहन की शादी में आओ, नाचो गाओ मस्ती करो, तुम मचाओ। ओए ओए, हम लोग तुझे कोई तवायफ लगते क्या, जो तेरी बहन की शादी में आके नाचेंगे और गाएंगे? हाँ, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। पैसे? हम लोग की भी कुछ इज्जत है, समझा? निकाल, चल। प्लीज अजय, सुना ना तूने, चल आउट। तुम लोग भी इडियट हो यार। तेरा मतलब क्या है? 10 मिनट पहले सोच रहे थे पैसे कहाँ से, पैसे कहाँ से, जब पैसा खुद सामने से चलकर आ रहा है तो ठुकरा दिए। एक मिनट, तेरा मतलब है हम पैसों के लिए बाढ़ बन जाए? मेरा मतलब ये तो नहीं है, लेकिन
प्यार में करना पड़ता है, करना पड़ता है, है। ये कहां के फंस गए यार। अच्छे खासे कॉलेज के रॉक बैंड से भान बन गए। अरे यार ये पोकर का डिस्कशन छोड़ो, खाना खाओ, पैसे लो और निकल लो। वैसे भी हमें यहाँ कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मर गए। इससे बदतर क्या हो सकता है यार। सामने देख। उसने मैं देखा तो नहीं। नहीं, वो इस तरफ तो नहीं आ रही ना। नहीं, बाल बाल बच गए यार। नहीं, नहीं। है? हाय गाइस, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, जो प्यार में करना पड़ता है। प्यार में करना पड़ता है किसके? अजय, ये सब क्या है? वो हम लोग सब आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डैडी वहां बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। पक गए यार, बहुत हो गया यार, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ यार, चार घंटे से बजा रहे हैं हम लोग, पता है? अरे तुम लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ, बजाती क्यों नहीं? इले, अब तू ही बजा पुंगी। अरे चल, जा जा, कर रहे हो पुंगी। आयशा बेटी, मिस्टर खन्ना की तरह हमें ऐसा दिन कब नसीब होगा? पापा आप भी। वर्मा साहब, हमारी बेटी आयशा बहुत शर्मीली है, लड़का तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारी बेटी आयशा। क्या बात है आयशा? जी कुछ नहीं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज के दोस्त? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके साथ रहो, मजे करो। थैंक यू। परमा साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू चोपड़ा। एक्सक्यूज मी चोपड़ा साहब, आपको खन्ना साहब ने याद किया। ठीक है, मैं अभी आया। जी क्या रही हूँ चोपड़ा, असली तबा। थैंक यू, सी यू लेटर। हाय अजय। हाय। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तीन बार खाना खा रहे। हाय। और सदा? वाह, लिक्विड डाइट पे। और तुम यहाँ अकेले किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई इतराज है तो सबको यहाँ बुला लो। अजय ये बात नहीं है। मैं एक बात पूछूं, ये प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये आयशा की है, मुझे भी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था और एक अच्छा मौका था, कुछ पैसे कमा लेता मैं, लेकिन अब तो। अजय तुम्हारा ये एहसास ही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक्स। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर खन्ना पापा के बहुत पुराने दोस्त है और मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ? कहाँ है वो? वहाँ। कौन वो खंबा? अजय तुम भी। अरे कहाँ था यार तू, मैं खुद अपनी ड्रिंक बना रहा हूँ, काम करने का शौक नहीं है क्या? चल एक ड्रिंक बना फटाफट। सॉरी। माफी की कोई जरूरत नहीं। वन विस्की ऑन द रॉक्स। व्हाट? वाटर के साथ नहीं,
ऑन द रॉक, आइस बर्फ, ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे अरे कहा जा रहे, कब से इंतजार कर रहा हूँ दूसरे को देगा तू? अरे यार ये क्या बदतमीजी है, आज इसको चढ़ गई है यार। कौन हो तुम? हटो, फॉर गॉड्स सेक। दारू पी रहे हैं, मिस किया, एक मिनट रुक। इलाने मैनेजर, क्या तुम रिया से मिली हो? नहीं। मिल लो, आई विल सी यू इन अ मिनट। ओके ओके। क्या हुआ? लगता है फिर से कोई लफड़ा कर दिया है। आइए इधर आइए, जरा अपने इस वेटर को समझाइए, मैं कब से ड्रिंक मांग रहा हूँ, ये मुझे देने के बजाय ड्रिंक गिरा दिया। एक मिनट, तुम मुझे अब तक वेटर समझ लेते? नहीं तो क्या, मैनेजर समझू? लिसन जेंटलमैन, ये वर्मा साहब हैं, इस शहर के जाने माने रईस। कदे ये कैसा इंतजाम है आप लोगों का? इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो होना चाहिए आपका। क्या बात है? अरे कोई रईस आदमी है यार, मैंने गलती से वेटर बोल दिए। तू भी ना यार। सर इसे गलती हो गई, आप माफ कर दो। बेशर्मी की भी हद होती है, ये कोई तरीका है माफी मांगने का? चल चल भड़क रहा है, माफी मांग ले। अंकल सॉरी। बदतमीज लड़के, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हारी इस गलती को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी ये बदतमीजी ने साबित कर दिया है कि तुम हमारे जैसे खानदानी नहीं हो, या तो फिर तुम्हारा कोई खानदानी नहीं है। ऐसी हरकत सिर्फ एक लावारिस या यतीम ही कर सकता है, या तो फिर तुम एक घटिया परवरिश का नतीजा हो। ना गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गेट आउट। हे, हाथ उठाओगे मुझ पर? मारोगे मुझे? मुझे मारोगे तुम? नहीं सर, मेरा बायां हाथ उठा है सिर्फ आपको रोकने के लिए, लेकिन अगर मेरा दायां हाथ उठ जाए तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। स्टॉप इट, बहुत हो गया, आउट। अजय, आयशा तुम इन लड़कों को जानती हो? जी यही मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। घर जाके बात करते हैं, चलो। सब लोग देख रहे हैं। अजय सब लोग देखकर हंस रहे हैं। सब इस सामने मेरा मजाक मत बनाओ। क्या बात करनी है? देखो अजय, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गलती सदा की थी। देखो आयशा, सदा से गलती हुई है, लेकिन वो अनजाने में हुई थी। लेकिन जो गलती तुम्हारे पापा के दोस्त ने की, उसके लिए अपना बायां हाथ नहीं अपना दायां हाथ उठाना चाहिए था। अजय ये गुस्सा ही तुम्हारी कमजोरी है, बात बात पर हाथ उठा लेते हो। बात बात पर? उसने मुझे यतीम कहा, अनाथ कहा, बुरी परवरिश का नतीजा कहा, और तुम्हें सब बातें लगती है?
अब तुम ही बताओ कि जो कुछ मैंने किया वो सही किया या गलत। देखो अजय, पहली बात ये है कि जैसे अनजाने में सदा से गलती हुई, वैसे अनजाने में उनसे भी गलती हुई होगी, क्योंकि पापा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कल तुम्हारी और पापा की मुलाकात हो जाती, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे कल के बर्ताव को लेकर पता नहीं अब पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और तीसरी बात, मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ जिसका कल के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अजय, मैं समझती थी कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि गलती फिर किसी से भी हो, बस एक मुस्कुराहट ही काफी होगी सब गिले शिकवे मिटाने के लिए। लेकिन आज अजय, तुमने सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने हमारे प्यार का मजाक उड़ाया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब तुम ही कहो क्या सही है और क्या गलत। क्या बात है यार, आज अजय नहीं दिख रहा। वैलेंटाइन्स डे इज फॉर लवर्स, नॉट फॉर फाइटर्स। तू भूल गया इनका झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है, सॉरी। अरे वो अजय वही ना जो लफड़े झगड़े मारा मारी यही सब तो करता रहता है ना वो। और ये बेचारी मैडम, उसको प्यार सिखाने चली थी। पर जो भी हो, आज के दिन अजय को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए था। वैलेंटाइन्स डांस बट नो वैलेंटाइन। हमें ना यार, हमें ना यार, हमें ना यार। अरे चोपड़ा साहब, ए भाई चोपड़ा साहब आए हैं, आइए आइए आइए। अरे आइए चोपड़ा साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या चोपड़ा साहब, काफी दिनों बाद आज हमारी याद कैसे आ गई? कोई खास मैटर बैठ रहे हैं? हाँ छोटे, एक फैमिली मैटर है। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर वर्मा के बारे में जानते हो ना, उसकी बेटी, इसकी शादी करवाना चाहता हूँ। एक लड़का बीच में टांग अड़ा रहा है। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो? वो ऐशा के साथ ही पढ़ता है, कुछ अजय नाम है उसका। वो कोई कॉलेज की सिक्योरिटी में पता नहीं, हमारे हिसाब से तो गुंडा है वो, लेकिन आप लोगों से छोटा है। वो कोई आर्यन ग्रुप का है। क्या बोला? आर्यन ग्रुप, आर्यन अजय। ये भाई, ये वही छोकरा है जिसने मेरे को फटकाया था, मौत मारा था मेरे को भाई। उसने तेरे को मारा? हाँ। चोपड़ा साहब, अब आपका दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो गया। छोटे। हाँ भाईजान। अगर वो आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे। भाईजान वो कोई आशिक वाशिक नहीं है, साला टपोरी है, अपने मुन्ना को फटकाया था। आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना भाईजान। ठीक है। ये आशिक वाला चक्कर क्या है? अपने पैसे उठाओ, काम करो। चोपड़ा साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, खत्म कर डालेंगे साले को। छोटे, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। शुक्रिया साहब। ये भाई, ये भाई। जिस दिन वो छोकरा मिला ना, तो सबसे पहला फटका मैं मारूंगा। मैं मारूंगा पहला फटका। तू ही मान, तू ही मान, तू ही मान। बहुत मारा मेरे को साले ने।
अजय, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज तो नहीं? नाराज क्यों होंगे, मैंने सिर्फ कॉलेज की सिक्योरिटी छोड़ी है, उनकी दोस्ती नहीं। मेरा तुम पर भी कोई फर्ज बनता है। अजय, अजय तुम यहाँ बैठे हो, वह बाहर से कुछ गुंडे आके आर्यंस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अजय, मैंने तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने से मना किया था, अपनी दोस्ती निभाने से नहीं। आज तू बच गया क्योंकि मेरी इबादत का वक्त हो गया है, लेकिन तकदीर बार बार तेरा साथ नहीं देगी। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि तुम लोग कॉलेज पहुंच गए, मैं समझ गया कि मेरा काम हो गया होगा। अरे भाईजान को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई होगी, क्या पटके पड़ोगे साले। देखो चोपड़ा, अब ये मेरा मैटर है, जब भी उस लौंडे का काम होगा पूरा होगा और उसका गेम मैं बजाऊंगा, मैं जा तू। छोटे, अगर भाईजान ने उसका गेम बजाया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अगर उस लौंडे की मौत से हमारा नाम जुड़ गया तो वर्मा हमारे साथ रिश्ता कभी नहीं जोड़ेगा। अरे तेरी तो सुनता यार, तू रोक देना भाईजान को। भाईजान को रोकना नामुमकिन है, उस साले ने भाईजान को उनका खून दिखा दिया, अब वो तो गया। लेकिन हमारा क्या होगा? देख चोपड़ा, कल से रमजान शुरू हो रहा है और भाईजान 30 दिन तक सिर्फ इबादत करते हैं और हम लोग आराम, मगर जिस दिन ईद का चांद दिखाई देगा ना, उस दिन के बाद से वह लौंडा दिखाई नहीं देगा। 30 दिन यानी कि 1 मंथ, 1 महीने तक वो आयशा से मिलता रहेगा?
नहीं 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 मैं खुद जाके भाईजान से बात करता हूँ। तू भाईजान से क्या बात करेगा? एक मिनट, समझा इसको। अजय पहले इसका गेम बचेगा।